सब्सक्राइब कीजिए एग्रीकल्चर सॉल्यूशंस को और पाइए एग्रीकल्चर रिलेटेड न्यू इन्फॉर्मेशंस को। बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हमसे कनेक्ट रहिए। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर सॉल्यूशन और आपका स्वागत है एग्रीकल्चर सॉल्यूशन में। कृषि संबंधी अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आज आप जानते हैं कि कृषि हमारे जीवन का एक विशेष अंग हो गई है और कृषि हमारे देश की नींव है या बैकबोन है, इसको हम कह सकते हैं। और भारत की मोस्ट ऑफ जनसंख्या जो है वो कृषि पर ही आधारित है और कृषि संबंधी कार्यों में जुटी हुई है, चाहे वो फार्मिंग हो या फार्मिंग से रिलेटेड बिजनेस हो। कहीं ना कहीं हमारे देश के युवा और देश के किसान दोनों साथ में कृषि से संबंधित ही कार्यों में लिप्त होकर देश को उन्नत बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। तो इसी कड़ी में आइए, आज हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, कोऑपरेशन, यानी जिसको बोलते हैं सहकारिता, जिसका मूल मतलब ही होता है साथ मिलकर काम करना। सहकारिता शब्द बेसिकली दो शब्दों से मिलकर बना है। द वर्ड कोऑपरेशन इज मेड अप ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, को एंड ऑपरेशन, सह प्लस कर। ये दो शब्दों का अभिप्राय यह है कि सह शब्द का अभिप्राय होता है मिलकर काम करना, यानी मतलब होता है मिलकर काम करना, मिलकर, और कर शब्द का अर्थ होता है कार्य करना, जिसका शाब्दिक अर्थ हो जाता है मिलकर कार्य करना। इस प्रकार सहकारिता का अर्थ साथ मिलकर कार्य करने से है, अर्थात जब किसी काम को मिलजुल कर परस्पर सहयोग से करते हैं तब उसे सहकारिता कहते हैं। When we do work with the cooperation and dedication is it known as cooperative या कोऑपरेशन। जब किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति हेतु आपसी सहयोग के आधार पर कार्य करना सहकारिता कहलाता है। टू फुलफिल एनी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट एंड वर्क टूगेदर इज नोन एज कोऑपरेशन। सहकारिता की परिभाषाएं, और अगर हम सहकारिता की परिभाषाओं पर बात करें तो तकनीकी विचार से सहकारिता का अर्थ उत्पादन एवं वितरण में प्रतिस्पर्धा का परित्याग करना तथा सभी प्रकार के मध्यस्थों का उन्मूलन करना। टू डेवलप द टेक्निकल नॉलेज इन कोऑपरेशन एंड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड रिड्यूस द मीडिएटर्स अमॉन्ग द प्रोडक्शन वैल्यूज, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन वैल्यूज एंड द फार्मर्स, टू इंक्रीज देयर इकोनॉमिकल कंडीशन एंड बेनिफिशियल कंडीशन इज कॉल्ड द कोऑपरेटिव। सहकारिता का मूल उद्देश्य ही साथ में मिलकर काम करना है, तो इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभिन्न तत्वों को देखना आवश्यक हो जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि सहकारिता का महत्व क्या है हमारे जीवन में। तो सहकारिता के महत्व को 5 वर्गों में बांटा गया है। द बेनिफिट्स और द सिग्निफिकेंस ऑफ कोऑपरेटिव इज डिवाइड इन 5 पोर्शंस या 5 टाइप्स या 5 कैटेगरीज। तो जिसमें सबसे पहला आता है आर्थिक महत्व, इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस, दूसरा आता है सामाजिक महत्व यानी सोशल इम्पोर्टेंस, तीसरा आता है राजनीतिक महत्व यानी पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस, चौथा आता है नैतिक महत्व यानी मोरल इम्पोर्टेंस या मोरल वैल्यूज, पांचवा आता है शिक्षात्मक महत्व। जो पांचवा पॉइंट है वो शिक्षात्मक महत्व यानी एजुकेशनल इम्पोर्टेंस। सबसे पहला पॉइंट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को अगर समझे, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की अगर बात करें, तो सहकारिता निम्नलिखित आर्थिक महत्व प्राप्त प्रदान करती है। सहकारिता में निम्न जो इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस होते हैं वो फुलफिल होते हैं। तो पहली चीज़ है, सहकारिता एक ऐसा आर्थिक संगठन है जिसका मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों की आर्थिक दशा को सुधारना है। कॉपरेशन इज अ इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशन विच मेन ऑब्जेक्ट इज टू इम्प्रूव द इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ द मेंबर्स। दूसरा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आता है वो ये है कि सहकारी पद्धति उत्पादन कार्य में सहायता करने वाले सभी पक्षों को अपना अपना भाग पाने के अधिकार को स्वीकार करती है। इट एक्सेप्ट द एंड बिलीव टू शेयर एंड टू एक्सेप्ट, ये जो है वो बांट कर एक साथ
अपनाने की प्रक्रिया या भाव को प्रदर्शित करती है. इफ़ यू आर हेल्पिंग इन एनी वर्क सो यू आर ऑल्सो एबल टू टेक द पार्ट ऑफ दैट थिंग. तो सहकारिता या सहकारी जो है, कॉपरेशन जो है, वो शेयर और डेवलपमेंट में बिलीव करता है. नेक्स्ट चीज आती है भारत में अविकसित ग्रामीण जीवन की प्रकृति के लिए सहकारी प्रणाली का विश्लेषण विशेष महत्व है. भारत में जो अनडेवलप विलेजर्स लाइफ है उसके डेवलपमेंट के लिए और उसके इम्प्रूवमेंट के लिए कॉपरेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. यहाँ पर सबसे ज़्यादा जानने वाली बात यह है कि कॉपरेशन के माध्यम से ही किसान वर्ग जो है या कोई भी वर्ग जो है वो अपना डेवलपमेंट आसानी से कर सकता है. अगली चीज आती है विविध सहकारी प्रयासों द्वारा कृषि व्यवसाय का पर्याप्त विकास किया जाना. बाय द डिफरेंट एफर्ट्स ऑफ कॉपरेशन वी कैन डेवलप द एग्रीकल्चर बिजनेस एंड टू अर्न द प्रॉफिट फ्रॉम इट. अगला चीज आता है कॉपरेशन किसानों को कम ब्याज पर ऋण प्रदान करने की व्यवस्था करती है. कॉपरेशन प्रोवाइड द फैसिलिटी टू प्रोवाइड द लोन टू द फार्मर्स इन वेरी लो इंटरेस्ट रेट. इसके बाद आ जाता है दूसरा इम्पोर्टेंस इसका सोशल सिग्निफिकेंस यानी सामाजिक महत्व. तो सामाजिक महत्व के अंतर्गत सहकारिता सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने में सहायक है. इट प्ले द इम्पॉर्टेंट रोल टू इम्प्रूव द सोशल मैनेजमेंट. सहकारिता के अंतर्गत सामूहिक कार्य द्वारा सामूहिक कल्याण के सिद्धांत को अपनाया जाता है. बाय और अंडर द कॉपरेशन इट एक्सेप्ट द सोशल वर्क एंड सोशल वेलफेयर डेवलपमेंट एंड दे अडॉप्ट द प्रिंसिपल ऑफ सोशल डेवलपमेंट. सहकारिता मनुष्यों में सामाजिक गुणों का विकास उत्पन्न करके उन्हें सच्चे अर्थ में सामाजिक प्राणी बनाती है. कॉपरेशन प्ले द इम्पॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन लाइफ एंड डेवलप दैम अ ट्रू सोशल ह्यूमन. सहकारिता निर्बल एवं निर्धन व्यक्ति को सामाजिक न्याय दिलाने में सहायक होती है. इट प्ले द इम्पॉर्टेंट रोल टू प्रोवाइड द अनक्यूज एंड अ पीपल हु नॉट एबल प्रॉपरली और अ पर्सन हु इज पुअर to provide them proper justice. It plays an important role to provide the justice to the poor and the people who are not able to fight against the corruption. अगला जो importance आता है वो ये है कि राजनीतिक महत्व political significance. सहकारिता मनुष्य के मध्य वर्ग संघर्ष को समाप्त करने में उपयोगी है. Cooperation play the important role to end the middleers and the lowers and the highers. It believe in equality. सहकारिता मनुष्यों के राजनीतिक जागरण में सहायक होती है. It play the important role to aware the people for political views. नैतिक यानी नैतिक महत्व यानी moral significance. सहकारिता मनुष्य को न्याय और मानवता के द्वारा त्याग करना सिखाती है. Cooperation provide the डेडिकेशन बाय जस्टिस और ह्यूमैनिटी. एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट हुए डार्लिंग जिनके अकॉर्डिंग एक उत्तम सहकारी समिति में मुकदमेबाजी अवैध शराबखोरी और जुआखोरी कम करती है और इनके स्थान पर परिश्रम आत्मविश्वास आत्मनिर्भरता ईमानदारी शिक्षा और पारस्परिक सहायता पाई जाती है. अकॉर्डिंग टू अ साइंटिस्ट अ गुड कॉपरेशन सोसाइटी रिड्यूस the court related cases, unwanted things, drinking and some unwanted things from the society. It remove the unwanted thing from the society and increase belief, dependency. अगला जो महत्व आता है वो आता है शिक्षात्मक महत्व. तो educational significance. सहकारिता में सम्मिलित समस्त व्यक्ति को समान दर्जा प्राप्त होता है. सदस्यों में शिक्षा का प्रसार किया जाता है. कॉपरेशन द पीपल हु इन्वॉल्व इन कॉपरेशन हैविंग इक्वल स्टैंडर्ड एंड दे प्रोवाइड इक्वल स्टैंडर्ड टू ऑल द पीपल एंड रिस्पेक्ट टू ऑल द पीपल एंड दे स्प्रेड द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एजुकेशन. फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन यानी सहकारिता के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं. सो सहकारिता का प्रमुख सिद्धांत है वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन. ये एक स्वैच्छिक संगठन है
जिसमें कोई भी व्यक्ति अपनी सदस्यता ग्रहण कर सकता है तथा अपनी इच्छा अनुसार उसको छोड़ने के लिए स्वतंत्र होता है। इट इज़ अ वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन एंड पीपल्स आर फ्री टू टेक द मेंबरशिप एंड दे आर ऑल्सो फ्री टू रिलीव देयर मेंबरशिप। ओपन मेंबरशिप किसी भी जाति यानी खुली सदस्यता है, किसी भी जाति वर्ग लिंग धर्म तथा राजनीतिक विचार वाले व्यक्ति सहकारी समिति की सदस्य प्राप्त कर सकते हैं। केवल दिवालिया तथा अवांछनीय तत्वों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा है। इट इज़ अ ओपन मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशन वेयर पीपल डज नॉट हैविंग एनी डिफरेंशिएशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट कम्युनिटी कैटेगरी सेक्स रिलीजियस पॉलिटिकल व्यूज। They are free to take membership only the people who are blacklisted and the people who are not belong to the good society are not capable to take the membership. लोकतांत्रिक नियंत्रण यानी डेमोक्रेटिक कंट्रोल। सहकारी समिति के प्रत्येक सदस्य को केवल एक मत देने का अधिकार है। Person who belongs to the cooperative society having only one vote अथॉरिटी, चाहे उसे समिति के कितने ही अंश या शेयर क्यों ना खरीद रखे हों, चाहे वो कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, उसका केवल एक मत यानी एक वोट का अधिकार होगा। एक व्यक्ति एक मत, वन मैन वन वोट का सिद्धांत या प्रिंसिपल जो है ये अडॉप्ट करता है। इक्वालिटी, सभी सदस्य एक समान हैं। ऑल द मेंबर्स आर इक्वल फॉर द कोऑपरेटिव सोसाइटी। इनमें रंग, जाति, वर्ण, धर्म के आधार पर कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होते हैं। सभी लोग समान होते हैं, कोई अंतर नहीं होता। मोरालिटी, संगठन के सभी व्यक्तियों का मूल मंत्र व्यक्तियों का चरित्र निर्माण होता है। द मेन फोकस ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी और द कॉपरेशन इज टू डेवलप द कैरेक्टर ऑफ द पीपल एंड इंक्रीज द मोरल वैल्यू इन द पीपल्स। पारस्परिक सहायता तथा द्वारा आत्म सहायता, सेल्फ हेल्प थ्रू म्यूचुअल हेल्प। हम सब एक के लिए और सब सभी हमारे लिए का सिद्धांत, ईच फॉर हिमसेल्फ ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच का सिद्धांत ये अपनाती है। सभी एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी एंड फ्रेटरनिटी, इसका मेन सिद्धांत ही बंधुत्व यानी ब्रदरहुड है और सभी मिलकर एक दूसरे के साथ काम करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ थ्रिफ्ट यानी बचत या सेविंग का ये सिद्धांत अपनाते हैं और अपने उत्पादन का कुछ अंश जो है ये सेव करके रखते हैं ताकि ये सेविंग की आदत को सीख सके। पॉलिटिकल एंड रिलीजियस न्यूट्रलिटी, यहाँ पर पॉलिटिकल और रिलीजियस को लेकर कोई बाउंडेशन नहीं है। आप फ्री हैं अपने डिसीजन को लेने के लिए। आप किसी भी धर्म, जाति, मत, मजहब, पंथ को बिलोंग करते हैं, इससे कॉपरेशन का कोई लेना देना नहीं है। आप कॉपरेशन में इन सभी चीज़ों के लिए फ्री हैं। डिपेंड नहीं करता कि आप किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं। आप सभी पॉलिटिकल विचारों को लेकर इस कॉपरेशन में जोड़ सकते हैं। अगली बात आती है कि सहकारी समितियों का गठन एवं फसल उत्पादन में क्या महत्व है, कैसे गठन किया जाता है। तो सहकारी समिति का गठन जो है सहकारी संगठन का स्वरूप तीन स्तरीय होता है, तीन पिरामिड शेप का होता है। तीन स्तर पर इसका संगठन जो है वो किया जाता है। पहला गांव या गांवों का समूह, विलेज और विलेज ग्रुप। दूसरा आता है जिला स्तर पर, सेकेंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तीसरा राज्य स्तर पर, थर्ड स्टेट लेवल पर। इनकी संख्या ग्राम अथवा प्राथमिक स्तर पर अधिक होती है, जिला स्तर पर उससे कम होती है और राज्य स्तर पर एक होने से इसका आकार स्तूप की तरह दिखाई देता है या पिरामिड की तरह दिखाई देता है। द नंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी और कॉपरेशन इज हायर इन विलेज लेवल देन रिड्यूस इन डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड एट द लास्ट इन द डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल इट टोटली वन, दैट इज वाई इट लुक लाइक अ पिरामिड। सहकारी समितियां देश की कृषि एवं ग्रामीण व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इट प्ले द इम्पॉर्टेंट रोल इन विलेज एंड एग्रीकल्चर इकोनॉमिक मैनेजमेंट। सहकारी समितियां किसान को उचित मूल्य पर अच्छी गुणवत्ता वाले कृषि उत्पादों को आदान प्रदान करने में सक्षम बनाते। इट प्ले द इम्पॉर्टेंट रोल टू प्रोवाइड द गुड क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट टू द फार्मर
इन लो रेट्स और लो प्राइजेस। भारत में प्राथमिक कृषि साख समितियों की प्रधानता जो कृषि कार्यों के लिए अल्पकालीन ऋण प्रदान करती है। इन इंडिया कोऑपरेटिव सोसाइटी प्ले द शॉर्ट टर्म लोन्स टू द फार्मर्स एंड दे इजीली प्रोवाइड द लोन फैसिलिटी। भारतीय रिजर्व बैंक ने सहकारी समितियों का गठन जो है वो कुछ इस प्रकार किया है। साख समितियाँ यानी लोन प्रोवाइड क्रेडिट सोसाइटीज जो कि दो भागों में बटी है, कृषि साख समितियाँ जो कृषि संबंधी कार्यों के लिए लोन प्रोवाइड करती है, दूसरा आता है गैर कृषि साख समितियाँ जो कृषि संबंधी लोन प्रोवाइड नहीं करती, तो दूसरा आता है गैर साख समितियाँ जो किसी अन्य उद्देश्य के लिए या ऑब्जेक्ट के लिए लोन प्रोवाइड करती है। तो ये भी दो भागों में बटी है। पहला आता है कृषि गैर साख समितियाँ जो एग्रीकल्चर नॉन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, और गैर कृषि गैर साख समितियाँ यानी जो ना कि कृषि के लिए और ना ही किसी अन्य उद्देश्य के लिए लोन प्रोवाइड करती है। तो पहली चीज़ समझ लेते हैं एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव क्या होती है। ये वे प्राथमिक कृषि साख समितियाँ होती हैं जो सहकारी समितियाँ जो किसानों को कम ब्याज पर लोन प्रोवाइड करती है। दीज आर द कोऑपरेटिव सोसाइटी हु प्रोवाइड द एग्रीकल्चर लोन फैसिलिटी टू द फार्मर इन लो इंटरेस्ट रेट, और इसमें अल्पकालीन मध्यकालीन ऋण उपलब्ध कराने की भी फैसिलिटी है जो कि भूमि विकास बैंक उपलब्ध कराते हैं। सहकारी समितियों के गठन पर एक विशेष नज़र डाल लेते हैं। तो साख समितियाँ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज और गैर साख समितियाँ यानी नॉन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। साख समितियाँ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी दो भागों में बटी हुई है, जिनमें कृषि साख समितियाँ यानी एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव और गैर कृषि साख समितियाँ यानी नॉन एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज आती हैं। कृषि साख समिति एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव के अंदर प्राथमिक समितियाँ, केंद्रीय जिला समितियाँ एवं राज्य समितियाँ आती है। इसके बाद गैर कृषि साख समिति में केंद्रीय सहकारी अथवा शहरी बैंक यानी सिटी बैंक जिनको बोलते हैं, शहरी साख समितियाँ यानी सिटी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, औद्योगिक श्रम समिति यानी इंडस्ट्रियल लेबर सोसाइटी। इसके बाद आता है गैर साख समितियाँ नॉन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कृषि गैर साख समितियों के अंतर्गत जो आते हैं उनमें सबसे पहले आता है विपणन समिति यानी मार्केटिंग सोसाइटी, प्रोसेसिंग समिति यानी परिरक्षण समितियाँ, सिंचाई समिति यानी इरिगेशन सोसाइटी, दुग्ध उद्योग समिति मिल्क इंडस्ट्री सोसाइटी, मछली पालन समितियाँ फिशरी फार्मिंग सोसाइटीज, चाकबंदी समितियाँ और सहकारी कृषि समितियाँ यानी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर सोसाइटीज। अब विपणन समिति जो है वो तीन भागों में बटी हुई है, प्राथमिक केंद्रीय और राज्य स्तर। दूसरा आता है गैर कृषि गैर साख समितियाँ। तो इनमें आता है सहकारी उपभोक्ता समितियाँ, कोऑपरेटिव यूजर्स सोसाइटी, आवास निर्माण समितियाँ हाउस डेवलपमेंट सोसाइटी, वन सहकारी समितियाँ फॉरेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी, बुनकर समितियाँ श्रम ठेका तथा निर्माण समितियाँ लेबर सोसाइटीज, उपभोक्ता भंडार समितियाँ यूजर सोरेज सोसाइटी हथकरघा समितियाँ। इसके बाद आता है कृषि साख समितियाँ एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव्स। तो इनके क्या इंपॉर्टेंस है, कृषि साख समितियों को प्राथमिक साख समितियाँ या प्राइमरी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी कहा जाता है। ये सहकारी समितियाँ सहकारिता आंदोलन के आधार स्तंभ है, और ये क्या करती हैं कि कृषि उत्पादन की विपणन व्यवस्था करती हैं। साथ ही साथ आज 90 से 95% गाँव जो है कृषि साख समितियों के अंदर कार्य क्षेत्र कर चुके हैं। इनकी सदस्यता कैसे ग्रहण की जाती है, तो कृषि साख समिति के सदस्य वही लोग रहते हैं जो एक ही क्षेत्र में या उस गांव के अंदर रह रहे हैं या आसपास होते हैं। कम से कम 10 सदस्य और ज़्यादा से ज़्यादा 100 सदस्यों की जो है लिमिटेशन होती है। सदस्यों को चरित्रवान होना ज़रूरी है, दे शुड हैव टू गुड कैरेक्टर, और सदस्यों की आयु कम से कम 18 वर्ष होना अनिवार्य है। कार्यक्षेत्र क्या होता है, तो ये जो होते हैं एक समिति का कार्यक्षेत्र किसी गांव को उससे 3 या 4 मील की दूरी पर काम करने की फैसिलिटी नहीं देता है। उसके दायरे में 3000 से अधिक जनसंख्या तथा 600 से अधिक परिवारों की संख्या होना अनिवार्य है।
इनके दायित्व क्या है? तो सीमित दायित्व वाली समितियां और असीमित दायित्व वाली समितियां, वर्तमान में सीमित दायित्व वाली समितियों को असीमित दायित्व वाली समितियों में बदलने की नीति अपनाई जा सकती है। और इनके कार्य, समिति का चुनाव करना, समिति का लेखा जोखा तैयार करना, ऑडिटर रिपोर्ट करना। इनके क्या लाभ होते हैं? तो किसानों को इन समितियों से अनेक लाभ प्राप्त होते हैं, जिनमें पहली चीज महाजन एवं साहूकारों की चंगुल से छुटकारा मिलता है। दे फ्री फ्रॉम द लैंडलॉर्ड एंड मनी लैंडर्स, सस्ती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध होता है। दे टेक द लोन फ्रॉम लो इंटरेस्ट रेट, और अव्यय पर रोक लगती है, यानी अनयूजफुल चीजों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने पर ये कंट्रोल करते हैं। दूसरी चीज, कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है तथा किसानों के जीवन स्तर में सुधार होता है। इट इंक्रीज द प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर एंड इट इम्प्रूव द लाइफ ऑफ द फार्मर्स। सहकारिता की भावना जागृत होती है, यानी कि इट इंक्रीज द ब्रदरहुड अमंग द पीपल हु बिलोंग्स टू द कोऑपरेटिव सोसाइटी। थैंक यू सो मच। आज का वीडियो कैसा लगा हमें प्लीज कमेंट कर बताइए, और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। अगर आपको किसी टॉपिक पर इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज कमेंट कर हमें बताइए, और एग्रीकल्चर सॉल्यूशन को आपका सपोर्ट और आपका प्यार इसी तरह देते रहिए, और प्लीज बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों, और हमें बताते रहिए समय समय पर कि हमारे वीडियोज में हम और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं।